लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग इस समय हो रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ समेत कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सुबह से ही मतदान केंद्रों में उनके बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बताते चले आपको मतदान की, तो यहां पर सुबह 9 बजे तक मणिपुर में 14.98%, बिहार में 12.27%, यूपी में करीब 11%, तमिलनाडु में 13.48% मतदान इस समय तक हो चुका है। इस बात से अंदाजा लगाइए कितना एक्साइटमेंट यहां दिखाई दे रही है वोटर्स के बीच में। तमिलनाडु की 38 सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है, बिहार की 5 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 2, यूपी की 8, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर इस समय मतदान जारी है। और इस चरण में राज्यवार सीटों की अगर बात कर ली जाए तो यूपी की जिन 8 सीटों पर इस समय दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है उसमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं। वहीं असम की बात की जाए तो करीमगंज, सिलचर, मंगलाडोई, नौगांव में इस समय वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में बिहार की बात कर लेते हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीटों पर इस समय वोटिंग हो रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें जिसमें श्रीनगर और उधमपुर में इस समय वोटिंग हो रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो बुलढाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर सीटों पर इस समय वोटिंग हो रही है। कई दिग्गज हस्तियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। मथुरा से भाजपा के प्रत्याशी हेमा मालिनी हैं, फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर चुनावी मैदान में हैं, आगरा से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल इस समय चुनावी मैदान में है। वहीं पर हाथरस की बात की जाए तो यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन कैंडिडेट हैं और आज इन किस्मत कह सकते हैं इनकी आज ईवीएम में कैद होने वाली है। और जनता जनार्दन किसके पक्ष में वोट करेगी ये देखने के लिए तो 23 तारीख का इंतजार करना होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। आज सेकेंड राउंड की 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान हो रहा है। और अगर बात की जाए इन 95 सीटों की तो कुल मिलाकर के 1596 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। करीब 15,50,00,000 मतदाता इस समय कह सकते हैं उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। और जिस तरह की जानकारी है इन सीटों पर 1,80,000 से अधिक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। सुरक्षा के लिहाज से भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और आज बहुत अहम दिन है, सेकेंड राउंड की वोटिंग हो रही है और मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं। हमारी भी अपील आपसे रहेगी, इन 12 राज्यों में अगर आप रहते हैं जहां पर इस समय मतदान चल रहा है तो अपने घरों से आप निकलें और मतदान करने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। 17वीं लोकसभा के लिए आज मतदान किया जा रहा है और बढ़ चढ़कर हम चाहेंगे आप हिस्सा लें और लोकतंत्र को और मजबूत करें, क्योंकि शिकायत से काम नहीं चलेगा। शिकायतें आप करते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपके पास इनकी किस्मत की चाबी है। आज आप डिसाइड कर सकते हैं, 12 राज्यों में आप आते हैं तो आप वोट करने जरूर जाएं।